फीफा वर्ल्ड कप के पहले मैच में ब्राजील ने क्रोएशिया को 3-1 से हराया। ब्राजील की तरफ से नेमार ने 2, ऑस्कर ने 1 गोल किया। पहली जीत के बाद ब्राजील के खाते में जुड़े 3 अंक। नोमार ने पहला गोल 29वें मिनट, 31वें मिनट पर दूसरा गोल दागा। मैच के अंतिम मिनटों में ब्राजीलियन खिलाड़ी ऑस्कर ने किया तीसरा गोल। ऑस्कर के गोल से 3-1 की बढ़त पर पहुंचा ब्राजील। बिना मेहनत के क्रोएशिया के खाते में आया मैच का पहला गोल। ब्राजील के खिलाड़ी मार्सुलो का पैर लगने से क्रोएशिया के नाम हुआ गोल। मैच के पहले फीफा वर्ल्ड कप का किया गया शानदार आगाज। रंग बिरंगे फुटबॉल से पेश की ब्राजील की प्राकृतिक और सांस्कृतिक छटा। देश की नवरत्न कंपनियों में से एक भिलाई स्टील प्लांट में जबरदस्त विस्फोट, 6 की मौत, 30 से ज्यादा लोग जख्मी। प्लांट के पंप हाउस नंबर 2 में हुआ जोरदार धमाका, धमाके की वजह से गैस पाइपलाइन टूटी, कार्बन मोनोऑक्साइड का हुआ रिसाव। गैस रिसाव से प्लांट में 6 लोगों की मौत, मरने वालों में कई अधिकारी शामिल, घायलों में कई की हालत अभी भी नाजुक। मरम्मत के दौरान मौजूद थे कई अफसर, गैस रिसाव की चपेट में आए अधिकारी भी। हादसे के बाद से स्टील प्लांट में बढ़ती जा रही है चौकसी, प्लांट के अधिकारी हादसे का कारण ढूंढने में जुटे। विस्फोट के बाद घायलों के परिजनों को भी नहीं जाने दिया अंदर, मीडिया के एंट्री पर भी लगा दी गई रोक। प्लांट में हादसे की जगह को पूरी तरह से सील कर दिया गया, जिला प्रशासन ने जांच के दिया आदेश। अभी जो है मजिस्ट्रियल इंक्वायरी का हमने ऑर्डर किए हैं, एडीएम जो है मिस्टर सुनील जैन जो है इसको करेंगे। राज्य के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने स्टील प्लांट में हुए हादसे पर दुख व्यक्त किया, घायलों के इलाज को लेकर भी की डॉक्टर से बात। दिल्ली वालों को बीती रात भी बिजली कटौती ने तंग किया, पूर्वी दिल्ली में रात 10 बजे से ही बिजली कटी रही। पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में रात 10 बजे से ही गायब थी बिजली, लोगों ने किया सड़क जाम, मंडवाली इलाके में जमकर हुआ हंगामा। लगातार बिजली कटौती से लोग नाराज, लोगों का आरोप पिछले 6 दिनों से लगातार बनी हुई है बिजली की समस्या। दक्षिण दिल्ली के मेहरोली बदरपुर रोड पर भी लोगों ने किया हंगामा और जाम, सरकार से मांगा बिजली और पानी। कोयले से चलने वाले 50 से ज्यादा पावर प्लांट्स में कोयले की कमी, सूत्रों की खबर, पावर प्लांट्स को वक्त पर कोयला न मिला तो देश के बड़े हिस्से को झेलना पड़ सकता है बिजली संकट। राजधानी की सड़कों पर फिर से बाइकर्स गैंग का आतंक, इंडिया गेट के पास बाइक पर खतरनाक स्टंट करते हुए देखे गए। व्यस्त सड़कों पर स्टंट से हादसों की होती है आशंका। मुंबई में आज फिर से हाई टाइड की चेतावनी, मौसम विभाग के अनुसार सुबह 11:30 बजे के करीब समुद्र में 4.5 फीट ऊंची लहरें उठने की आशंका। मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए बीएमसी ने लोगों को बीच पर न जाने की दी सलाह, पुलिस ने भी समुद्र के किनारे वाले इलाकों में बढ़ाई चौकसी। कल मुंबई में प्री मानसून ने दी थी दस्तक, अरब सागर में बना दबाव का क्षेत्र नैनोक नामक चक्रवर्ती तूफान में बदला था। मुंबई वासियों को कल हाई टाइड से उठानी पड़ी थी खासी परेशानी, समंदर में उठी थी 9 फीट तक ऊंची लहरें। मुंबई के रिहायशी इलाकों में पानी आया, समंदर का पानी वर्ली के घरों और शिवाजी पार्क में सड़कों तक आ गया।
सूखे की आशंका के बीच महंगाई पर लगाम लगाने की कवायद शुरू। उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने सचिवों के साथ बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी को देंगे प्रेजेंटेशन। महंगाई सूखे से निपटने के लिए मोदी के साथ मंत्रियों के साथ आज बैठक। मंत्री रखेंगे अपने सुझाव। खुदरा चीजों की महंगाई दर में गिरावट। अप्रैल के मुकाबले मई में 0.31% कम हुई दर। औद्योगिक उत्पादन में भी 3.4% का इजाफा हुआ दर्ज। खराब मॉनसून की खबर के बाद अब प्याज ने लोगों को रुलाने की तैयारी। महाराष्ट्र में प्याज के दामों में 50% की बढ़ोतरी। प्याज के बढ़े हुए दामों का असर हर शहर में दिखा। बाजारों में 5 रुपए तक की बड़ी कीमत। सरकार का ऐलान, बढ़े हुए दामों पर है नजर। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने की नरेंद्र मोदी की तारीफ। कहा, जो नए परिवर्तन हो रहे हैं वो अच्छे हैं। मोदी सरकार पर नियंत्रण से संघ प्रमुख का इनकार। कहा, आरएसएस के पास नहीं है रिमोट कंट्रोल। विविधता में एकता देखने वाले एकमात्र विचार के आधार पर संपूर्ण समाज को अपना मानकर काम करने वाले कार्यकर्ताओं का देशव्यापी समूह आवश्यक है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यही काम करता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किसी पर रिमोट कंट्रोल वगैरह नहीं चलाता। नागपुर में प्रचारकों से मुखातिब थे संघ प्रमुख। कहा, 15-20 दिनों में ही मोदी सरकार गुड गवर्नेंस के दे रही है संकेत। अभी 15 ही दिन हुए, 20 ही दिन हुए, देखकर तो लगता है होगा। प्रयास करेंगे, विश्वास तो रखना ही पड़ता है। कदम भी ऐसे उठे हैं, बातें भी ऐसी हो रही कि लगता है इरादा पक्का है, होगा। यूपी के गोंडा में नाबालिग लड़की से बलात्कार। पड़ोसी युवक ने घर से अगवा कर किया रेप। सातवीं क्लास में पढ़ती है बलात्कार पीड़ित नाबालिग। पीड़ित परिवार की शिकायत के बाद गिरफ्त में आरोपी। गोंडा में एक ही दिन में बलात्कार की 2 घटनाएं। गांव में एक नाबालिग लड़की के साथ 2 लोगों ने किया गैंगरेप। पुलिस ने दर्ज किया मामला। पीड़ित का मेडिकल कराया गया। फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस। नोएडा में भी एक लड़की के साथ 2 लोगों ने किया बलात्कार। थाना 58 क्षेत्र के एक गांव की यह घटना। आरोपी गिरफ्तार। सिविल सेवा परीक्षा 2013 के नतीजे घोषित। 4 साल बाद किसी पुरुष ने मारी बाजी। गौरव अग्रवाल बने टॉपर। उनकी समस्याएं समझनी पड़ती है, उनको देखना पड़ता है वो किस तरह से जी रहे हैं और किस तरह से उनकी समस्याएं हैं और उनको सॉल्व करने की कोशिश करनी होती है, देखना होता है कि आप उनके लिए क्या कर सकते हैं। तो ये जो एलिमेंट है, जो पब्लिक का जो टच है, इंटरफेस है, ये इस जॉब को काफ़ी चुनौतीपूर्ण बनाता है और इसीलिए जो है मुझे काफ़ी अपील किया था ये, इसलिए मैंने इसकी तैयारी करने की कोशिश। दिल्ली के मुनीश शर्मा को 2रा, रजत राज को 3रा स्थान मिला। टॉप के 25 उम्मीदवारों में बिहार, दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के छात्र शामिल। सरकार के कार्मिक विभाग ने आईएएस के रिक्त पदों की सूची मांगी। देश भर में हजारों पद हैं खाली।